दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हमारा सबसे कॉमन जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा माइक्रोमीटर या स्क्रू गेज। बेसिकली इंडस्ट्रियल लैंग्वेज के अंदर इसको माइक्रोमीटर कहा जाता है, लेकिन जब हम स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं तो हम इसे स्क्रू गेज के नाम से जानते हैं। तो स्क्रू गेज इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये एक तरीके से नट बोल्ट या स्क्रू के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसके अंदर एक स्क्रू होता है, जब उसको हम रोटेट कराते हैं तो हम रीडिंग्स को आगे पीछे करते हैं और रीडिंग ले सकते हैं, इसलिए इसको स्क्रू गेज भी कहा जाता है। दोस्तों, आप लोगों को जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये हमारा मैनुअल टाइप का माइक्रोमीटर है, जिसके अंदर मैनुअली रीडिंग ली जाती है। और जो ये दूसरा माइक्रोमीटर दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, ये हमारा है डिजिटल माइक्रोमीटर। क्या है? डिजिटल माइक्रोमीटर। मैनुअल माइक्रोमीटर में मैनुअली रीडिंग ली जाती है, इसके अंदर कोई डिस्प्ले नहीं लगा होता। डिजिटल माइक्रोमीटर के अंदर, जैसा आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है, एक डिस्प्ले लगा होता है और उस पर रीडिंग अपने आप आ जाती है। मैनुअल को रीड करने के लिए हमें जो माइक्रोमीटर के ऊपर स्केल लगे होते हैं उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, और डिजिटल के लिए हमें अवेयरनेस नहीं चाहिए। जैसे ही हम पीस को लगाएंगे तो वो हमें रीडिंग बता देगा कि ये इतना लंबा है या इतनी इसकी थिकनेस है। अब जान लेते हैं जो माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर्स के पार्ट क्या-क्या हैं। बेसिकली माइक्रोमीटर किन-किन पार्ट से बना हुआ है? तो माइक्रोमीटर जो है हमारा, वो हमारा मिलके बना है। एक जो ये फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है, सबसे मेन पार्ट ये है जो सी शेप में है, ये हमारा फ्रेम हो गया। उसके बाद में ये हमारा थिम्बल हो गया और ये हमारी स्लीव हो गई। एक स्केल हमारा स्लीव के ऊपर होता है और एक स्केल हमारा थिम्बल के ऊपर होता है। दोनों आपस में मैच करने चाहिए जब हम रीडिंग लेते हैं। तो जब ये मैच करते हैं उसके हिसाब से हम रीडिंग लेते हैं कि जो हमारा हमने पार्ट चेक किया उसकी क्या मेजरमेंट है, क्या थिकनेस है, क्या ओडी है। वो रीडिंग कैसे लेनी है वह मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद में हमारा हिस्सा हो गया स्पिंडल, एनविल। स्पिंडल और एनविल के बीच में क्या है, हम जो कंपोनेंट है उसको प्लेस करते हैं। इसके बाद में हमारा हो गया लॉक। जब हम रीडिंग लेते हैं तो कई बारी क्या होता है, जब हमने कंपोनेंट पकड़ा हुआ और रीडिंग हिल जाती है, तो उसके लिए ये लॉक इस्तेमाल में आता है, रीडिंग लेने के बाद इंस्ट्रूमेंट को लॉक करने के लिए। और जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो है हमारा रैचेस स्टॉप। कई बार क्या होता है दोस्तों, जब हम कंपोनेंट को इस तरीके से टाइट करते हैं तो वो ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से रीडिंग कम या ज्यादा आ जाती है। तो इसी के लिए ये रैचेट स्टॉप होता है कि जब हमने कंपोनेंट को एक लेवल तक टाइट कर लिया उसके बाद हम रैचेट को टाइट करेंगे। तो रैचेट जब टाइट करेंगे तो उससे आवाज आने लगेगी। आवाज आने लग गई तो इसका मतलब है कि हमारा कंपोनेंट सही से टाइट हो गया, अब हम रीडिंग ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि माइक्रोमीटर क्या है, कि एक डिवाइस है जो कि एक्यूरेसी से पार्ट्स को चेक करने के लिए यूज की जाती है और नट ये बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है। जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसके अंदर जो थिम्बल है वो स्लीव के अंदर मूव करता है और इसके अंदर स्क्रू लगा होता है जिसपे ये रोटेट करते हैं और हम रीडिंग ले पाते हैं। इसका जो लीस्ट काउंट है, जो मैनुअल माइक्रोमीटर होता है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.01 mm, और जो डिजिटल माइक्रोमीटर है उसका लीस्ट काउंट होता है 0.001 mm। अब ये लीस्ट काउंट का मतलब क्या है? लीस्ट काउंट का मतलब है कि सबसे छोटी यूनिट मैं इस डिवाइस से क्या मेजर कर सकता हूं, वो हमारा है लीस्ट काउंट। लीस्ट मतलब सबसे छोटा, काउंट मतलब गिनती। तो जो सबसे छोटी गिनती मैं इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा माप सकता हूं उसको मैं क्या बोलूंगा? लीस्ट काउंट। तो मैनुअल वाले माइक्रोमीटर का क्या हो गया? 0.01 mm, और डिजिटल वाले माइक्रोमीटर का क्या हो गया? 0.001 mm। और ये अगर आप इंस्ट्रूमेंट आपने कभी यूज किया है या करने वाले हैं तो आप उस पर देखेंगे कि जो लीस्ट काउंट है मोस्टली केसों में यहां मेंशन किया होता है कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है। जैसे यहां पे दिया हुआ है और यहां भी दिया हुआ है कि इस डिवाइस का लीस्ट काउंट क्या है। अब ये जो हमारा माइक्रोमीटर है ये आता किस काम है? दोस्तों, जो माइक्रोमीटर है वो हमारा कॉमनली तौर पे काम आता है थिकनेस नापने के लिए। किसी पार्ट की हमें मोटाई नापनी है, किसी कंपोनेंट की हमें मोटाई नापनी है, उसके लिए यूज आएगा।
और आउटर डाया नापने के लिए यूज आता है, पिच माइक्रोमीटर होता है जो पिच नापने के लिए भी यूज आता है, और एक डेप्थ माइक्रोमीटर आता है वो डेप्थ भी हम उससे नाप सकते हैं। अब जो टाइप, बेसिकली कई सारे प्रकार का होता है माइक्रोमीटर कॉमनली, तो अगर डिवाइड करें इसको तो हम डिवाइड कर सकते हैं डिजिटल और मैनुअल में, लेकिन शेप्स के हिसाब से और यूजेस के हिसाब से भी ये कई प्रकार का होता है। जैसे कि ब्लेड टाइप माइक्रोमीटर, उसमें क्या होगा, ये जो हमारे स्पिंडल और एनविल है, ये जो स्पिंडल और एनविल है यहाँ पे ब्लेड्स लगे होंगे। एक होता है हमारा पिच माइक्रोमीटर, एक होता है फ्लैंज माइक्रोमीटर, फ्लैंज वाले में क्या होगा, फ्लैंजेस लगी होंगी। डेप्थ माइक्रोमीटर, तो डेप्थ वाला क्या होगा, कुछ इस तरीके से होगा कि हम रीडिंग डेप्थ में जाके रीडिंग ले सके। उम्मीद करता हूं माइक्रोमीटर का कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, माइक्रोमीटर क्या है, एक ऐसी डिवाइस है जो कि प्रिसाइसली एक्यूरेसी के साथ यूनिट को मेजर करने के लिए काम आती है। ये नट और बोल्ट के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैनुअल वाले का लीस्ट काउंट 0.01 mm है, डिजिटल वाले का लीस्ट काउंट 0.001 mm है। इसका यूज हम जनरली थिकनेस और ओडी नापने के लिए यूज करते हैं। कई प्रकार का माइक्रोमीटर आता है जो हम इस्तेमाल के हिसाब से यूज में लेके आते हैं, जैसे कि फ्लैंज माइक्रोमीटर, पिच माइक्रोमीटर, ब्लेड माइक्रोमीटर, डेप्थ माइक्रोमीटर। अब एक रीडिंग देख लेते हैं कि हमें माइक्रोमीटर पे रीडिंग कैसे ले सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या किया, एक छोटी सी एनिमेशन की क्लिप लगाई है, जैसा आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हमने एक पार्ट यहां पर लगाया माइक्रोमीटर के अंदर, ये ब्लैक कलर का जो पार्ट है ये हमने माइक्रोमीटर में लगाया और माइक्रोमीटर को उसके बाद रोटेट कराया। तो जैसे ही हमने पार्ट लगाया, माइक्रोमीटर हमारा रोटेट हुआ 4 mm तक। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, ये माइक्रोन वाला जो हमारा स्केल है, जो राउंड वाला, उसको देखेंगे कि हमारी रीडिंग कहाँ जाके मैच करती है। सपोज यहां पर तो हमारी रीडिंग इस वाले लीनियर स्केल के अंदर हमारी 4 mm तक गई, कितने तक गई, 4 mm तक हमारी रीडिंग गई। उसके बाद जो सर्कुलर स्केल है, इसमें हमारी जो ये वाली लाइन है, हमें क्या देखना है, ये वाली लाइन जो है हमारी जो सर्कुलर स्केल में कहाँ जाके मैच करती है। तो लीनियर स्केल पे देख लिया हमने 4 mm, बाकी सर्कुलर स्केल पे जाके हमारी जो रीडिंग है वो कहाँ पे मैच करी, 0.14 पे। तो हमारी रीडिंग क्या हो गई, 4.14, 4.14। ये हमारा क्या हुआ, उस पार्ट की थिकनेस हो गई। तो इसी तरीके से हमने माइक्रोमीटर द्वारा मेजरमेंट लेनी है। दोस्तों आप लोगों जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक मैनुअल वर्नियर कैलिपर है। तो वर्नियर कैलिपर क्या होता है, वर्नियर कैलिपर बेसिकली कैलिपर्स जो जॉज हैं, कैलिपर्स हैं, उस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। और इसके अंदर दो स्केल होते हैं, एक होता है मेन स्केल और एक होता है वर्नियर स्केल। जैसे कि स्क्रू गेज और माइक्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, नट एंड बोल्ट, ऐसे ही वर्नियर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, हमारा स्केल्स। तो जो दो स्केल्स के बीच में डिफरेंस आते हैं ये उसको मेजर करके हमें रीडिंग देता है। इसमें क्या होता है, दो ऐसे जॉज चले होते हैं जिसमें कि एक जॉ फिक्स होता है और एक ऐसे मूव करता है, जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर एक जॉ फिक्स है, ये वाला जो जॉ है ये हमारा फिक्स है, और ये वाला जो है हमारा आगे पीछे मूव कर रहा है। अब वर्नियर के जो पार्ट्स हैं वो जान लेते हैं, कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो ये जो है हमारे एक्सटर्नल जॉज हैं, जब हमें ऑडी चेक करनी हो या बाहर से किसी चीज को मापना हो तो ये वाले जॉज यूज आते हैं। ये हमारे इंटरनल जॉज हैं, जब हमें आईडी चेक करनी है या अंदर से किसी चेक को चेक करना है तो हमारे इंटरनल जॉज यूज में आते हैं। ये हमारे क्या है, स्केल हैं दोनों। ये होता है इंपीरियल, इंचेस में ऊपर वाला, और ये वाला होता है मैट्रिक, यानी कि एमएम में। इसी तरीके से ये ऊपर हो गया यहां पर इसका वर्नियर स्केल इंचेस वाला, और यहां हो गया इसका वर्नियर स्केल एमएम वाला। इसके बाद में एक मेन चीज होती है इसके अंदर, जो सबसे पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये है डेप्थ मेजरिंग ब्लेड। जब आपको किसी चीज की डेप्थ नापनी हो या उसकी हाइट नापनी हो तो आप वर्नियर का यूज कर सकते हैं इस डेप्थ मेजरिंग ब्लेड के द्वारा। अब जान लेते हैं इसका लीस्ट काउंट क्या होता है।
दोस्तों जो लीस्ट काउंट होता है मैनुअल वाले का वो होता है 0.02 mm, और जो हमारा डिजिटल है उसका होता है 0.01 mm। इसके बाद इसको यूज किस किस काम में लिया जाता है, इसको थिकनेस नापने के लिए, आईडी नापने के लिए, ओडी नापने के लिए, हाइट नापने के लिए, लेंथ नापने के लिए, डेप्थ नापने के लिए हम यूज में लेकर के आते हैं। अब जान लेते हैं इसके प्रकार। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया इसके जो मेन टाइप्स हैं वो क्या हैं, मैनुअल टाइप, फिर मैनुअल विद डाइल, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये है तो मैनुअली पूरा का पूरा मैनुअल है, लेकिन क्या है इसमें हमें डायल दिया गया है, ये जो स्केल है इसकी जगह डायल दे दिया गया है, ये जो यहाँ पे वर्नियर स्केल है उसकी जगह हमारे पास डायल है, तो हम इन दोनों स्केल की मेजरमेंट लेके चीज को नाप सकते हैं। फिर हमारा सबसे आखिरी क्या है, डिजिटल। डिजिटल में हमें कोई स्केल स्केल को कुछ देखना ही नहीं है, सीधा हमने कंपोनेंट को पकड़ना है और नाप लेना है, और वर्नियर हमें निकाल के दे देगा कि भैया इसकी ये लंबाई है, या इसकी ये थिकनेस है, या इसकी ये ऑडी है, या ये इसकी आईडी है। दोस्तों अब देख लेते हैं, अगर हमें वर्नियर से रीडिंग लेनी है या मेजरमेंट लेनी है तो हम कैसे लेंगे। तो हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो एग्जाम्पल लिया है ऐसे इंस्ट्रूमेंट का जिसके अंदर 0.10 mm का एरर है। ये इसलिए एग्जाम्पल जानबूझ के लिया है ताकि कभी आप कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करें जिसके अंदर कभी कोई एरर हो तो आप रीडिंग निकाल सके। अगर हमारा एरर प्लस में है, मतलब कि ज्यादा में है, तो हम उसमें क्या करेंगे, मेन रीडिंग में से उसको माइनस कर देंगे। अगर माइनस में है तो हम मेन रीडिंग में उसको प्लस कर देंगे। तो हमारे केस में क्या है कि एरर ज्यादा में है, जैसा आप यहाँ स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि जब हम इंस्ट्रूमेंट को बिना किसी कंपोनेंट के बंद करते हैं तो हमारा 0.1 पे जाके मैच करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर 0.10 का एरर है। तो हमने क्या किया, इसके बाद हमने इसके अंदर पीस लगाया। पीस लगाने पे हमारी जो रीडिंग है वो कहाँ तक जा रही है इस वाले स्केल पे पहले हमें देखना है। ये वाला जो हमारा मेट्रिक वाला स्केल है इसके ऊपर रीडिंग कहाँ जाके हमारी खत्म हो रही है वो देखना है। तो हमारी 19 पे जाके रीडिंग खत्म हो जा रही है। कहाँ पे खत्म हो जा रही है, 19 पे जाके हमारी रीडिंग खत्म हो गई। उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये दोनों जो स्केल हैं, ये मैट्रिक वाला और ये वर्नियर वाला, इन दोनों के बीच में ये जो लाइनें हैं ये कहाँ हमारी मैच करती हैं। जहां भी हमारी लाइनें मैच करेंगी वो हम इसके अंदर 19 के अंदर जोड़ देंगे। तो हमारी जो लाइन मैच कर रही है वो मैच कर रही है 0.54। 54 कैसे हुआ कि हर रीडिंग तो जो है वो है 0.02 mm की, ठीक है। तो हमारी जो रीडिंग है कहाँ जाके मैच हुई, 0.54। तो हमारी रीडिंग क्या निकल के आएगी, 19 प्लस 0.54 माइनस 0.10। जैसे आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है हमारी रीडिंग क्या हो गई, 19 प्लस 0.54 प्लस माइनस 0.10, क्योंकि हमारे में एरर था, हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0.10 mm का एरर था, तो हमने क्या किया इसको मेन रीडिंग में से माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 19.44। तो हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें यह देखना है कि कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये जो हमारा ऊपर वाला लीनियर स्केल है ये पहली रीडिंग इसकी कहाँ तक आती है, उसके बाद में ये दोनों जो स्केल है इनकी रीडिंग कहाँ मैच करती है। तो हमारे केस में कहाँ मैच कर रही है, 0.54 पे जाके, और 54 तो 19 प्लस 0.54 प्लस माइनस 0.10। तो इस तरीके से हम कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। दोस्तों वर्नियर हाइट गेज, या जनरली इसको हम इंजीनियरिंग में या इंडस्ट्री के अंदर हाइट गेज भी बोल देते हैं नॉर्मल तरीके से। तो वर्नियर हाइट गेज क्या है, वर्नियर हाइट गेज एक ऐसा वर्नियर इंस्ट्रूमेंट है जो कि ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किसी चीज की हाइट या लेंथ को नापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। ये जो हाइट गेज है या वर्नियर हाइट गेज है ये वर्नियर कैलिपर वाले प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे वर्नियर कैलिपर के अंदर एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है, उसी प्रकार से वर्नियर हाइट गेज के अंदर भी दो स्केल होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल, उसी के द्वारा हम रीडिंग को मापते हैं। जिसने वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली है या जिसको वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल करना आता है
वह बहुत ही आसानी से वर्नियर हाइट गेज भी यूज कर सकता है। अब जान लेते हैं कि वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट क्या होता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, इट इज बेस्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ वर्नियर कैलिपर। ये वर्नियर कैलिपर के ही प्रिंसिपल पे बेस्ड है, मेन स्केल और वर्नियर स्केल वाले पे। और जो ग्रेजुएशंस भी होती हैं इसके स्केल के अंदर, वो भी सेम होती हैं जो कि वर्नियर कैलिपर में होती हैं। तो उसी प्रकार इसका जो लीस्ट काउंट है वह भी सेम होता है। मैनुअल वाले का जो लीस्ट काउंट है वो होता है हमारा कितना, 0.02 mm, और जो डिजिटल वाला है उसका होता है 0.01 mm। वर्नियर जो है कॉमनली किस किस काम आता है, अगर हमें किसी चीज की एक्यूरेटली हाइट मेजर करनी है, किसी कंपोनेंट की हाइट नापनी है, लेंथ नापनी है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वर्नियर हाइट गेज कितने प्रकार का होता है, बेसिकली अगर हम इसको देखें तो वर्नियर हाइट गेज तीन टाइप का होता है, मैनुअल, मैनुअल विद डायल एंड डिजिटल। तो आपको स्क्रीन के ऊपर तीनों प्रकार के जो वर्नियर हाइट गेज हैं वह दिखाई दे रहे हैं। जो आपको स्क्रीन के ऊपर बीच में दिखाई दे रहा है ये वाला, ये है हमारा मैनुअल वर्नियर हाइट गेज, जिसके अंदर आप अगर यहां देखें तो यहां पे एक स्केल, वर्नियर स्केल लगा हुआ है, और यहां हमारा मेन स्केल लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैनुअल वर्नियर हाइट गेज। ये जो दूसरा वाला आपको दिखाई दे रहा है ये हमारा है मैनुअल डायल टाइप हाइट गेज। इसमें क्या है, यहां पे स्केल की जगह डायल लगा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, मैनुअल डायल टाइप हाइट गेज। तीसरा हो गया हमारा डिजिटल, जिसके अंदर कोई स्केल नहीं है, कोई डायल नहीं है, सीधी यहां पर हमारी एक स्क्रीन लगी हुई है जिसके ऊपर हम रीडिंग लेते हैं, ये हमारा हो गया डिजिटल टाइप हाइट गेज। अब ये जो वर्नियर हाइट गेज है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं या इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हमने तीनों तरीके के हाइट गेज लगाए हुए हैं। सबसे पहले जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है ये वाला है हमारा विद डायल, ये सेकंड नंबर पे हमारा डिजिटल, और फर्स्ट पे है हमारा जो है वो है मैनुअल वर्नियर हाइट गेज। इनके पार्ट्स जान लेते हैं। तो ये सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं बीम, और ये जिस गाइड के ऊपर चलता है मैनुअल वाले में उसको बोलेंगे गाइड फेस। मैनुअल वाले में आपको जो स्केल दिखाई देता है बीम के ऊपर वो हो गया हमारा मेन स्केल, ठीक है, और जो हमारा ग्रेजुएशन दिखाई देता है मूवेबल पार्ट के ऊपर वो हो गया हमारा वर्नियर स्केल। यहां होता है एक फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, जिससे कि हम वर्नियर स्केल जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं छोटे छोटे ग्रेजुएशंस में, ठीक है। इसके बाद में ये हमारा हो गया प्रोब बोल देते हैं इसको, या स्क्राइबिंग भी बोल देते हैं। प्रोब इन केस में बोलेंगे जब ये इस तरीके से यहां पे हम प्लंजर डायल के साथ जब प्रोब का यूज करते हैं तो ये प्रोब बोलेंगे इसको, और जब हम इस तरीके से जो सिर्फ हम स्क्राइबिंग टूल यूज करेंगे जो नुकीला होता है, जो फिक्स होता है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्क्राइबिंग स्टाइलस, ठीक है। जहां पे ये माउंट किया जाता है प्रोब या स्टाइलस उसको हम बोलते हैं माउंटिंग डिवाइस। स्क्रीन के ऊपर जहां रीडिंग दिखेगी वो हमारा स्क्रीन हो गई, ठीक है, और यहां पे एक लॉक होता है इसके अंदर, जैसे इसके यहां पर है, इसमें यहां पर है, और इसमें हमारा यहां पर है। तो ये किस काम आता है, इसको लॉक करने के लिए जब हमें रीडिंग लेनी हो। और सबसे अहम जो चीज है वो यह है कि हमें जब वर्नियर हाइट गेज यूज करना है तो वो एक सरफेस प्लेट के ऊपर होना चाहिए। किसके ऊपर होना चाहिए, सरफेस प्लेट के ऊपर, ताकि जो रीडिंग है वो प्रॉपर आए। क्योंकि जब हम वर्नियर हाइट गेज यूज करते हैं तो वो एक सरफेस से रेफरेंस लेता है इनिशियल रीडिंग, तो उसके लिए हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए, जिसके लिए हमें सरफेस प्लेट का यूज करना चाहिए। जैसा आपको यहां दिखाई दे रहा है ये हमने एक टेबल के ऊपर रखा हुआ है, लेकिन ये सरफेस प्लेट पे ही रखा होना चाहिए। अब इससे रीडिंग कैसे लेंगे, जो वर्नियर हाइट गेज है उससे रीडिंग कैसे लेंगे, ये जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है ये हमारा एक पार्ट है जिसको हमने सरफेस प्लेट के ऊपर सीधा रख दिया, और साथ में हमने हाइट गेज लगा दिया। अब क्या हुआ, दोनों एक ही सरफेस पे आ गए, तो क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट सेम हो गया।
हम सीधा क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे, जीरो सेट करेंगे और पार्ट को यहां से यहां तक, अगर हमें हाइट मापनी है तो यहां से यहां तक लेके जाएंगे और देखेंगे इसमें कितनी रीडिंग आती है। वो हमारी पार्ट की यहां तक हाइट हो गई। अब मान लो हमें यहां से यहां तक की हाइट नापनी है, तो हम क्या करेंगे, जो इस डिवाइस को जो है यहीं पे इस पोजीशन पे जीरो कर देंगे। क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। जीरो यहां पे बटन दिए होते हैं, इसमें से हम जीरो सेट कर सकते हैं। तो हमने यहां पे क्या किया, इसको जीरो सेट कर दिया। फिर यहां से यहां तक की हमने जो हाइट है बी वो निकाल ली। और टोटल अगर हमें हाइट निकालनी है तो हम सीधा नीचे जाके इसको जीरो पे सेट करेंगे और यहां से यहां तक की जो हाइट है उसको देख लेंगे कितनी हमारी हाइट निकल के आ रही है। तो जो डिजिटल वाला होता है ना, ये बहुत आसान होता है यूज करना। एक बार आपको जीरो सेट करना आ गया तो आप किसी भी रेफरेंस से कोई भी हाइट आराम से या कोई भी डिस्टेंस आराम से मेजर कर सकते हो। जो मैनुअल है वो थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसमें आपको क्या करना होगा, जैसे यहां पे तो आपने जीरो सेट कर लिया, मैनुअल में आपको क्या करना होगा, जितनी आपको रीडिंग लेनी है वो रीडिंग आपको उसके अंदर ऐड या माइनस करनी पड़ेगी। दोस्तों जो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है राइट साइड में, ये जो आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा है, ये क्या है, एक लक्स मीटर है। तो लक्स मीटर क्या है, होता है, लक्स मीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हिंदी में बात करें तो लक्स मीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, मतलब लाइट की जो क्षमता है या लाइट की जो ताकत है, उसको नापने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लाइट, कुछ लोग लाइट को लेके कंफ्यूज ना हो जाए, मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रकाश की बात कर रहा हूं। तो जो लाइट की जो इंटेंसिटी है उसको नापने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको हम बोलते हैं लक्स मीटर। जैसे लंबाई को नापने के लिए क्या यूज होता है, मेजरिंग स्केल। टेम्परेचर को नापने के लिए क्या यूज होता है, थर्मोमीटर। उसी तरीके से लाइट की इंटेंसिटी को नापने के लिए क्या मेजर होता है, लक्स मीटर। कुछ लोग इसको लाइट मीटर भी बोल देते हैं। दोस्तों जो लाइट की इंटेंसिटी है उस यूनिट होती है ल्यूमेंस। बेसिकली जब लाइट एक स्क्वायर मीटर के ऊपर जब पड़ेगी और उस पे जो एक ल्यूमेन फॉल होगा, एक ल्यूमेंस फॉल होने की वजह से जो एक स्क्वायर मीटर का जो एरिया है उसमें कितना ज्यादा प्रकाश पड़ रहा है उसको जो मेजर करेंगे हम, उसको लक्स में मेजर करेंगे। तो एक लक्स कितना हो गया, एक लक्स हो गया 1 ल्यूमेन पर स्क्वायर मीटर। तो लक्स मीटर हमारा क्या नापता है कि पर स्क्वायर मीटर हमारे कितने ल्यूमेंस फॉल हो रहे हैं। जब भी कोई हम लाइट जनरेटिंग सोर्स जैसे कि ट्यूबलाइट बल्ब वगैरह जलाते हैं तो उससे क्या निकलते हैं, ल्यूमेंस निकलते हैं। और ल्यूमेंस निकल के किसी सरफेस के ऊपर पड़ते हैं, और जब वो किसी सरफेस पे पड़ते हैं तो वहां पे कितनी लाइट कितनी पहुंची उसको जो हम मेजर करेंगे वो किस में मेजर करेंगे, लक्स में मेजर करेंगे। दोस्तों अब ये लक्स मीटर की जरूरत क्या है, भाई लाइट तो हमने बल्ब लगा लिया, ट्यूबलाइट लगा ली, लेकिन लक्स मीटर की जरूरत क्या है। दोस्तों काम करने की जगह के हिसाब से लाइट का एक लेवल डिफाइन है कि इससे कम लाइट स्पेसिफिक एरिया में नहीं होनी चाहिए। तो उसी चीज को कंट्रोल करने के लिए कि जो डिफाइंड लेवल्स हैं उसी लेवल के अंदर जो हमारी लाइट की इंटेंसिटी है या नहीं, हम किसका यूज करते हैं, लक्स मीटर का यूज करते हैं। लक्स मीटर से हम उसको नाप लेते हैं कि इतनी लाइट आ रही है या नहीं आ रही, और अगर नहीं आ रही है तो हम क्या करेंगे, उस लाइट को चेंज कर देंगे या वहां पर लाइट को बढ़ा देंगे। अब जो लक्स मीटर है उसके हम पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं। बेसिकली जो है लक्स मीटर दो तरीके का मिलेगा, एक तो क्या होगा, पूरी बॉडी के साथ अपना अटैच होगा, दूसरा क्या होगा, इसके अंदर रिसीविंग जो लेंस है वो अलग होगा और डिस्प्ले है वो हमारी अलग होगी। बेसिकली क्या हो गया, लाइट रिसीविंग लेंस हो गया जिसके ऊपर हमारी लाइट फॉल करती है, डिस्प्ले हो गया, और ये यहां पर इसके कंट्रोल्स हो गए जिससे कि हम लक्स मीटर को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसकी रीडिंग को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों हम दो प्रकार से लक्स मीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो क्या है कि एक हम इंस्ट्रूमेंट ऑर्डर करते हैं या खरीद करके ले आते हैं। आप इसको अमेजोन वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन से अगर आपको लक्स मीटर ऑर्डर करना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, और वहां से क्लिक करके लक्स मीटर अपनी इंडस्ट्री के लिए या अपने ऑफिस के लिए, अपने यूज के लिए आप ऑर्डर कर सकते हैं। तकरीबन 1200-1300 रुपए की रेंज में ये आपको मिल जाएगा। HTC कंपनी का होता है और बढ़िया होता है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर। ये मैंने किसी कंपनी के अंदर ऑर्डर करके मंगाया था, तो आपको इस तरीके से एक प्रॉपर बैग के अंदर मिलेगा और तकरीबन 1200-1300 रुपए की रेंज में मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके ले सकते हैं।
दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि आपको जाना है एंड्रॉयड प्ले स्टोर पे या एप्पल स्टोर पे, और वहां जाके आपको लिख देना है लक्स मीटर। जैसे ही आप लक्स मीटर टाइप करोगे तो आपको बहुत सारे जो है एप्स दिख जाएंगे जो कि लाइट की इंटेंसिटी को नाप सकते हैं। वो कैसे नाप सकते हैं कि हमारा जो मोबाइल होता है उसके ऊपर भी एक फोटो सेंसर लगा होता है, और उसके ऊपर जब लाइट गिरती है तो उसको मेजर करके बता सकता है ये कितने लक्स की लाइट है। लेकिन उसके लिए करना क्या जरूरी है, आपके फोन के अंदर फोटो सेंसर होना चाहिए। दूसरा, जब आप अपने फोन के अंदर ये कोई भी ऐप, इनमें से जो इतने सारे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, जिसकी रीडिंग अच्छी हो, उसको आप इंस्टॉल कर दें। जब भी कोई आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उसको कैलिब्रेट करना है। कैलिब्रेट किससे करना है? जो एक ओरिजिनल लक्स मीटर होता है उसके साथ आप उसको कैलिब्रेट कर लें कि आपका जो लेंस है वो भी सेम रीडिंग दे रहा है कि नहीं, जितना कि हमारा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो दे रहा है। कैलिब्रेट हो गया तो आप किसी से भी मेजर कर सकते हो। आप मेजर कर सकते हो डिवाइस से भी, और आप मेजर कर सकते हो अपने जो लक्स मीटर वाला ऐप है उससे भी। मैं आपको अभी आगे वीडियो भी दिखाऊंगा कि आप मोबाइल से कैसे चेक करोगे लक्स लेवल। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, आपको अगर डिवाइस से लक्स लेवल चेक करना है तो आपको करना क्या होगा, आपको जो लाइट लक्स मीटर है उसको करना है ऑन, और ये जो रिसीवर है जिसके अंदर सेंसर लगा होता है उसको वहां पे रख देना है जहां पे आप काम करते हो। ये जो सेंसर है इसके अंदर एक लंबी तार होती है, तो आप इसको मूव भी कर सकते हो। तो आपने करना क्या है, आप वहीं लगाएंगे जहां पे आपको वर्क करना है, क्योंकि लाइट आपको वहीं चाहिए जिस एरिया में आपने वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आप लाइट को ऊपर जाके नापने लगे, अरे लाइट के नीचे तो 1000 लक्स आ गया, काम हो गया। नहीं, लाइट जहां पे पड़ रही है, जहां पे वर्क टेबल है, जहां पे वर्क एरिया है, वहां पे कितनी लाइट है वो आपने मेजर करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, इसको ऑन किया और जो रिसीवर है या जो सेंसर है उसको आप ले गए जहां पे आपने मेजर करना है। तो आपके मीटर ने रीडिंग दिखा दी 352 लक्स। अब आप इसको मेजर कर लीजिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से ठीक है या कम है। अगर ठीक है तो ठीक, अगर कम है तो इसको आप इंप्रूव करिए। इसी तरीके से किसी मशीन वगैरह पे चेक करना है, आप इसको सेंसर को वहां पे ले गए और आपकी रीडिंग दिख गई कि भैया इतना लक्स होता है। अब मोबाइल से कैसे चेक करेंगे? मोबाइल से भी चेक करने का क्या तरीका है, मोबाइल से भी आप सेम तरीके से चेक करोगे कि जो आपका फोन है उसको सीधा रख के स्क्रीन की तरफ से लाइट उसके ऊपर पड़नी चाहिए। मतलब जो लाइट है आपकी स्क्रीन के ऊपर पड़नी चाहिए। स्क्रीन में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो आपका कैमरे वाला एरिया होता है उसके ऊपर सेंसर लगा होता है, तो वहां पे लाइट पड़नी चाहिए। जैसे ही आपकी लाइट पड़ेगी तो आपको इस तरीके से रीडिंग दिखेगी कि भैया आपका लक्स लेवल जो है 62 लक्स आ रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।